देखिए रीना जी, रीना जी अगर आवाज ऊंची करके बातों को सही साबित करना होता तो आपको बेल मिल गई होती। रीना जी जनता आपके, जनता ये टैक्टिक्स को समझ चुकी है, आपके ये टैक्टिक्स को जनता समझ चुकी है कि जब सत्य की बात आती है आप व्यवधान करते हैं, आप डिस्टर्ब करते हैं, आप चीखते हैं, आप गिड़गिड़ाते हैं, आप बिलबिलाते हैं, इससे कुछ नहीं होगा रीना जी, कुछ नहीं होगा रीना जी, कुछ नहीं होगा। दीपक जी देखिए मैं लगातार बोलता रहूंगा, मैं तो एक समय पर आपको भी नहीं परमिट करूंगा, वो अपनी बात खत्म कर ले, मैं आपको जवाब देने का पूरा मौका दूंगा। देखिए ना तो मैं इंटरफियर कर रहा हूँ, आप ही के सवाल दूसरे प्रवक्ता से पूछ रहा हूँ जी। आपका सवाल रीना जी मैंने पूछा, शहजाद जी से भी और आपसे भी मैंने शहजाद जी आखिरी पॉइंट करना चाहता हूँ, आपका सवाल दीपक जी आखिरी पॉइंट करना चाहता हूँ। देखिए मुझे लगता है ये अच्छी चर्चा है, एक स्टेबल और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड चर्चा है, इसमें हम बीच में ना बोले एक दूसरे के, एक दूसरे की बात को सुने। रीना जी को भी पता है, दीपक जी आपको तो आपने कितने ही केसेस देखे हैं, आजकल सोफिस्टिकेटेड क्राइम्स जब होते तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कोई व्यक्ति अपने जेब में या कोई पलंग के नीचे थोड़ी रखता है, उसको हवाला करके शेल कंपनी करके ट्रांसफर करता है, इसको एस्टैब्लिश करने में टाइम लगता है, डिजिटल एविडेंस, बाकी एविडेंस, मनीष सिसोदिया ने तो कितने ही फोन डिस्ट्रॉय कर दिए। मेरा केवल कहना इतना है रीना जी, सारे आर्ग्यूमेंट आपने कोर्ट के सामने किए, आज भी कोर्ट ने आपको ना सीबीआई कोर्ट में ना ईडी कोर्ट में राहत मिली, इसका मतलब यह है कि वो कट्टर बेईमान है, पर आपके मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं वो कट्टर ईमानदार है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि भ्रष्टाचारियों को संरक्षण क्यों, अन्ना हजारे जी को भूल गए आप? उस समय पर तो बिना कोई जांच के इस्तीफे मांगते थे, शीला दीक्षित के खिलाफ कौन सा आपके पास प्रूफ था, कौन सा प्रूफ था, आप इस्तीफे मांगते थे, पर आज कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद। रीना जी आपका आपका जवाब, फिर मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि मुझे चितरंजन गगन जी के पास जाना है, उनके साथ नाइंसाफी होगी। रीना जी एक क्विक जवाब। देखिए दीपक जी, अभी भी शहजाद पूनावाला ने यह नहीं बताया कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ क्या सबूत है, मनीष सिसोदिया के खिलाफ कौन सी मनी ट्रेल है, कौन सा क्विड प्रोको है, कुछ उन्होंने नहीं बताया। दूसरी ओर कैश बरामद हुआ है, कैश बरामद हुआ है कर्नाटका के एमएलए के घर में। भारतीय जनता पार्टी में जितना बड़ा भ्रष्टाचारी उतना बड़ा पदाधिकारी, चाहे आप येदुरप्पा को देख लीजिए, चाहे आप शिवराज सिंह चौहान को देख लीजिए, निशंक पोखरियाल को देख लीजिए, आप किसी को देख लीजिए, ऊपर से नीचे तक सारे के सारे सबके ऊपर स्कैम के आरोप है, सबके खिलाफ सबूत है, लेकिन कोई जेल नहीं जा रहा। जेल तो जा रहे हैं सिर्फ आम आदमी पार्टी के लीडर्स, क्योंकि मोदी जी को केजरीवाल जी से डर लगता है। मोदी जी का जो ऑपरेशन लोटस है वो केजरीवाल के खिलाफ फेल हो चुका है, ठीक है, क्योंकि मोदी जी केजरीवाल के एक भी नेता को खरीद नहीं पाए, बाकी सबको डरा के धमका के खरीद के इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। दीपक जी एक इंटरवेंशन 10 सेकंड का, केवल 10 सेकंड का, ठीक है 10 सेकंड दीपक जी आपको याद होगा ये सारी बातें करने वाली रीना जी आप ही के इस शो पर आकर कही थी 800 करोड़ में हमारी पार्टी को खरीदने का बीजेपी ने बजट बनाया, ऑडियो टेप हमारे पास है, कितने महीने हो गए वो ऑडियो टेप जरा आज ही कर दो। मैं तो चाहता हूँ दीपक जी एक घंटा शो एक्सटेंड करके मुझे एक्सपोज कर दो आज मेरी पार्टी को, या 800 करोड़ का ऑडियो टेप मंगाओ रीना जी से। जरा वो गडकरी जी के बारे में भी बोलते थे नाक रगड़ के माफी मांगी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी के बारे में बोलते थे नाक रगड़ के माफी मांगी, शीला जी के बारे में बोलते थे कुछ नहीं कर पाए शीला जी का। मैं आज चाहता हूं मेरी पार्टी इनके पार्टी को तोड़ रही है ना, 800 करोड़ का जो ऑडियो टेप का उन्होंने कहा था हमारे पास ऑडियो टेप है, मैं चाहता हूं ताल ठोक के सबसे बड़े शो पर आज हमारा पर्दाफाश कर दो दीपक जी, ताकि सुरेंद्र जी भी खुश हो जाएंगे आपकी पत्रकारिता से और रीना जी भी खुश हो जाएंगी। आप तुरंत इनसे मंगवाइए ऑडियो टेप, मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मेरे दर्शकों का चाहिए, मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मेरे दर्शकों चाहिए, वो मुझे प्यार देते रहे मेरे लिए बहुत है। मैं सीधे रीना जी आप जवाब तैयार रखिएगा शहजाद भाई का, मैं सीधे चितरंजन जी के पास जाता हूं। चितरंजन जी ये जो रेड्स हैं मैं एक बार फिर से अपडेट दे दूं, ये रेड ईडी की है, दिल्ली एनसीआर समेत 24 ठिकानों पर ये रेड चल रही है, और अबू दुजाना अगर मेरा मैं नाम गलत नहीं ले रहा हूं तो इसी शख्स के पास मॉल बनाने का जो बन रही थी मॉल लालू परिवार की पटना के अंदर उसका कॉन्ट्रैक्ट था, और अब उनके यहां पर घर में टाइल्स खोदी जा रही हैं, फर्श खोदी जा रही हैं, पार्क को खोदा जा रहा है। चितरंजन गगन जी ये आपके जो नए दोस्त हैं लल्लन सिंह, उन्होंने ये केस कराया था ना जिसमें लालू जी कन्विक्ट हुए थे। दीपक जी जिस केस के बारे में कहा जा रहा है कि उस केस के आधार पर यह छापेमारी हो रही है, ईडी और सीबीआई पहले छापा मार चुकी है, तो यह पहले भी दो दो बार इसको रीओपन किया गया और उसके बाद में कोई प्रमाण कोई सबूत नहीं मिला, उसके बाद उसको क्लोज कर दिया गया। उसके बाद
जो है सो यह केस कब, टाइमिंग को आप ध्यान से देखिए, आप समझ में आ जाएगा कि यह केस किस लिए किया जा रहा है। क्योंकि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, उसके पहले से यह मामला 2004 और 9 के बीच का था, और 2014 में प्रधानमंत्री बने। लेकिन कब इनको याद आई इस केस के बारे में, जब 2015 में महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल एक साथ में आया, तो 2017 में इस मामला का उभारा गया कि साहब ऐसे थे। उसमें तेजस्वी यादव को, जो कि 2009 के पहले नाबालिग थे और कोई भी सियासत से कोई वास्ता उनका नहीं था, उनका नाम उसमें जोड़ा गया। और जब जो 2017 में जब नाम जोड़ा गया और जो सो कहा गया कि हाँ साहब तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम थे तत्काल उस समय की सरकार में, वह भ्रष्ट है, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप है, और सरकार को जो है सरकार से नीतीश जी अलग हो गए, भाजपा के साथ सरकार बन गई, फिर वह फाइल दबा दिया गया, कहाँ रख दिया गया, फ्रिज में। और फिर उस फाइल की याद कब आई इसको, सीबीआई को, जब महागठबंधन की सरकार बनी, जब 2022 में नीतीश जी पुनः राजद के साथ आए, और नीतीश जी का स्टेटमेंट है कि 2017 में बरगलाया गया, जो आरोप लगाया गया उसके संबंध में एक भी प्रमाण अब तक जो असूर नहीं खोज पाई सीबीआई। क्यों नहीं दे रहे नीतीश जी, बोल दे, ललन सिंह बोल दे कि मैंने करा था, आप गलत सबूत दिए थे। चितरंजन जी, ललन जी बोल दे ना, आपके तो सहयोगी हैं, वो बोल दे, खत्म हो जाएगी बात। नहीं नहीं नहीं, ललन तो बोल, ललन जी के तो बजाबते से कल प्रेस के सामने बोले हैं कि मैंने कंप्लेन किया, लेकिन जब जांच में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जांच करवाई और उसके बाद उसमें कुछ नहीं निकला, ममता बनर्जी जब रेल मंत्री हुई फिर दोबारा उसको जो रीओपन की, फिर भी कुछ नहीं निकला, उसके बाद वह क्लोज हो गया केस। और उस केस को क्लोज होने के बाद में जब महागठबंधन की सरकार बनी 2017 में, फिर महागठबंधन की सरकार बनी तो 2022 में इस मामला को उभारा गया। मामला यह है कि चूंकि इंटरनल सर्वे से इनको यह पता चल गया है कि बिहार में भाजपा का सफाया होने वाला है, और उसी बेचैनी में, उसी छटपटाहट में इस ढंग की हरकत कर रहे हैं बिहार में। यह बिहार है और बिहार की जनता इनको पहले भी सबक सिखा चुकी है, और जनता सब समझ रही है। जिस ढंग से आज जो है लालू जी के बेटियों के घर पर छापामारी किया गया, जिस ढंग से प्रेग्नेंट है तेजस्वी जी की पत्नी, उनके घर पर छापामारी किया गया, तो यह जो है सो सारा जनता देख रही है, और इसका परिणाम जो है सो भाजपा को भुगतना पड़ेगा। जिस ढंग से एक एक सेलेक्टिव सेलेक्टिव छापेमारी हो रही है, सेलेक्टिव जो भाजपा के साथ छापेमारी हो रही है, क्योंकि कभी कभी तो बिहार की राजनीति मेरी भी समझ से परे है। जिसने केस लिखाया वो इनके साथ बैठा हुआ है, और लालू जी के ऊपर रेड का रेड हो रही है। दीपक जी, आप बिहार की राजनीति को अच्छी तरह से समझते हैं, और मुझे याद है 2015 में भी आपसे हमारी मुलाकात हुई थी, और आपने उस समय भी कहा था कि भाजपा बहुत चतुर खिलाड़ी है, संभल के रहिएगा। मेरी आपसे ऐसी कोई बात हुई होगी? अरे बोल दीजिए, चलिए मैं मान लेता हूँ, मैंने कहा था, कौन सी बड़ी बात है, चलो मैं मान लेता हूँ, मुझे नहीं याद, लेकिन मैंने कहा था, खत्म हो गई बात। चलिए, चितरंजन जी कह रहे बड़े भाई है, वो जो कहे वो सही। दीपक जी, अरे मुझे बहुत अच्छा लगा, पहली बार सुरेंद्र जी हंसे तो, चलिए मेरे ही नाम पर हंसे तो, हंसने से ऑक्सीजन भी बढ़ता है, ब्लड भी बढ़ता है। डॉक्टर अजय आलोक डॉक्टर है, वो बताएंगे हंसने की क्या क्या फायदे, बता दीजिए। सुरेंद्र जी हंसा करे अच्छे से, मैं इसका इंतजाम करना चाहता हूँ। बारे में सुरेंद्र जी कह दिए, पहले हम लोगों के भी बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं, हम भी चाहते हैं कि भाई अजय जी का एकोमोडेशन हो जाए, जितना भाजपा के लिए लड़ते रहे हैं, भाजपा का किसी प्रवक्ता कोई बड़े भाई है, बोल दीजिए छोटे भाई अजय आलोक, दूसरों के करियर की चिंता आप कर रहे हैं। अजय आलोक जी, करियर की और आप अपने पार्टी के ग्राफ की चिंता कीजिए, जैसे पूना वाला, आप अपने ग्राफ की चिंता कीजिए, भ्रष्टाचार के घर में। अच्छा,